नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा चैनल सीमा इज क्रिएटिविटी में। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं हम सब अच्छे होंगे। आज हम सूजी का पीठा बनाने जा रहे हैं, जिसको सूजी का पुआ भी बोल सकते हो आप लोग। तो उसके लिए हमने लिया है सबसे पहले पानी। तो एक गिलास हमने पानी डाल दिया है और आधा गिलास पानी और डालेंगे। अब इसमें हम डालेंगे गुड़। तो एक कटोरी से भी कम गुड़ हमने डाला है। अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच चीनी, 1 चम्मच हम डालेंगे नमक, 1 चम्मच से भी कम, और इसमें एक बॉल आने देंगे। सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे इस तरह से, और इसमें एक बॉल अच्छे से आ जाने देंगे। इसमें एक बॉल आ चुका है। अब हम थोड़ी थोड़ी सूजी मिलाएंगे, इकट्ठा नहीं मिलाएंगे। इस तरह से थोड़ी थोड़ी सूजी मिलाते जाएंगे और थोड़ी थोड़ी डालेंगे। इस तरह से आप लोग देख पा रहे होंगे मैं किस तरह से मिला रही हूँ। तो हमें थोड़ी थोड़ी सूजी करके डालना है, और मैंने आधी कटोरी सूजी लिया है, ज़्यादा सूजी नहीं लिया है। तो इस तरह से मैं 3 से 4 बार में सूजी डाली हूँ, आप लोग देख ही रहे हो। और इसको बनाने में मैं तो ज़्यादा बारीक भी सूजी नहीं है ना ज़्यादा मोटी है। आप हो सके तो महीन वाली सूजी लेना। देखिए मैंने पूरी सूजी इस पे डाल दिया है। अब इसको हम बॉयल होने देंगे। तो देखिए अब हमारी सूजी इस तरह से हो गई है। हमें इसे चलाते रहना है और ये एक दो की तरह तैयार हो जाएगा, तभी हमें सूजी को बंद करना है। तब तक हम इसको चलाते रहेंगे। मैं इसको कंटिन्यू चलाती रहूँगी, हमें बंद नहीं करना है चलाना। आप देख पा रहे होगे। तो देखिए हमारा चलाते चलाते इस तरह से गाढ़ा हो चुका है। अभी हम इसे और चलाते रहेंगे। हमारा इतना गाढ़ा हो चुका है। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसको दूसरे बर्तन में निकाल के ठंडा कर लेते हैं। हमने इस तरह से थाली में इसको फैला दिया है और इसको ठंडा होने देते हैं अच्छे से। अब हमारा ये ठंडा हो गया, तो हाथों में हमने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है और इसको इकट्ठा कर लेते हैं। इसे छुड़ा लेते हैं पहले इस तरह से, और इसको इस तरह से हमें डो के फॉर्म में तैयार कर लेना है इसको। तो इस तरह से हमने इसको तैयार कर लिया है। अब हमने ये कोकोनट पाउडर लिया है, इसको डाल देते हैं इस पे। तो आधी कटोरी है, और इसको मिक्स कर देते हैं इसमें। हमें अच्छे से इसमें मिक्स कर देना है। हमने इस तरह से इसको डो के फॉर्म में तैयार कर लिया है। तो अब हम इससे आधा लोई काट लेंगे, इतना बड़ा, और इस तरह से इस पर रखेंगे और हमें इसे बेल लेना है। नीचे हम थोड़ा ऑयल लगा देंगे इस पर। इस तरह से हमने लगा दिया है और इसको पलट देते हैं इस तरह से। तो दोनों तरफ हमने लगा दिया है। अब इसको हम बेल लेंगे। तो हम इसको इस तरह से बेल लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसको बेल लिया है। अब हम ग्लास लेंगे, ग्लास से कट कर लेंगे। हमारे पास कुकीज कटर नहीं है, नहीं हम मुझसे कट कर लेते, तो इसलिए हमने ग्लास लिया है और इस ग्लास से हम कट कर देंगे। बहुत ही आसानी से कट जाएंगी ये। तो इस तरह से एक पूरी में 4 हमने काटे हैं।
और इस तरह से एक्स्ट्रा भाग इसका निकाल लेंगे। इस तरह से हमने इसका एक्स्ट्रा भाग निकाल लिया है। इसी तरह से हम सारे बना लेंगे। हमने तेल गरम होने के लिए रख दिया था, हमारा तेल गरम हो चुका है, तो अब ये हम अपने डाल देते हैं। जितने एक बारी में आएंगे उतने हम डाल देंगे। तो एक बारी में हमने तीन डाल दिया है, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो एक बारी में हमने तीन डाल दिया है। जब एक तरफ ये अच्छे से हो जाएंगे तब हम इनको पलट देंगे। तो हम एक एक करके इनको पलट देते हैं इस तरह से। तो देखिए हमने तीनों पलट दिए हैं और ये अच्छे से फूल चुके हैं। दूसरी तरफ भी अच्छे से पक जाना चाहिए। अब हम इनको निकाल लेते हैं। तो एक एक करके हम निकाल लेंगे। हमने दूसरी बारी के भी डाल दिए हैं और इसी तरह से हम अपने बना लेंगे। देखिए, और इनको पतले नहीं बनाना है, हमें थोड़े मोटे बनाना है, तभी ये अच्छे बनेंगे, अन्यथा अच्छे नहीं बनेंगे। हमने सारे सूजी के पीठे बनाकर तैयार कर लिया है। इसके सूजी का पुआ भी बोलते हैं और बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट ये बनता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी बनाकर ट्राई करना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।